हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने अपने लास्ट वीडियो में ग्राफिकली मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना सीखा था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। आज मैं एक एग्जांपल और लेता हूं ग्राफिकली मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। उससे जिन बच्चों को ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने की कोई प्रॉब्लम थी या कोई डाउट था तो वो क्लियर हो जाएगा। और इस एग्जांपल लेने से, इस क्वेश्चन को लेने से मैं जो आपको आगे इस वीडियो में बताना चाह रहा हूं वो भी उसमें कवर होगा, ठीक है। देखते हैं किस तरह से सोल्व करेंगे। शो दैट ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x-3y = 5 और 6y-4x = 3 इस इनकंसिस्टेंट। ये क्या है, जो ये सिस्टम है ये कैसा है, इनकंसिस्टेंट। ये हमें शो करना है, यानी ये इनकंसिस्टेंट की प्रॉब्लम है। दैट इज हैज नो सॉल्यूशन, यानी इसका जो ग्राफ होगा उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होगा कि वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो मैं आपको ये बताऊंगा इस वीडियो में कि कब ग्राफिकली हम शो कर सकते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था, कंसिस्टेंट को बताया था एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, जिसके पास क्या कम से कम एक सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट जिसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो देखिए सबसे पहला सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशंस 2x-3y = 5 और -4x+6y = 3 फ्रॉम फर्स्ट। पहले फर्स्ट से y की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे और 5 को इधर, 2x-5 = 3y, तो y = 2x-5 = 3। उसके बाद हमें वही करना होता है, क्या x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू क्या करेंगे इसमें निकालेंगे। पुट x = 1, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 = 2 - 5 - 3/3 यानी -3y। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे तो 2 × 2 = 4 -4 और -5 - 9/3 तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। और एक x की वैल्यू और पुट कर लेते हैं, ठीक है, 4 पुट कर लेते हैं, 4 × 2 = 8 - 5 = 3 तो y = 1 तो आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे a (1-1), b (-2, -3) and c (4, 1). ये आपके पास क्या है, 3 पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था अपने लास्ट वीडियो में, लास्ट क्वेश्चन जो कराया था उसमें बताया था कि इस तरह से वैल्यू रखते हैं x और y की कि वे इंटीजर है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंटीजर नहीं आता है, हम बहुत बड़ी वैल्यू, फिर ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाती है, तो तब हम फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी ये देखते हैं कि छोटी वैल्यू से ही यदि आपके पास इंटीजर मिल रहे हैं तो फिर ज्यादा बड़ी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं होती। फ्रॉम सेकेंड से 6y = 3 + 4x, y = 3 + 4x / 6 x = 0 पुट करता हूं तो 3/6 यानी 1/2, 1 पुट करता हूं तो 7/6, -1 पुट करता हूं तो -1/6, 2 पुट करता हूं 4 × 2 = 8 और 3 = 11/6। तो इसमें जितने भी मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूं उसमें सभी क्या मिल रहे हैं आपको, फ्रैक्शन में ही मिल रहे हैं। तो जब इसमें फ्रैक्शन में ही मिल रहे हैं तो इसका मतलब इसमें क्या है, हमारे पास वैल्यू जो है फ्रैक्शन में निकली, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 3, ठीक है,
एक्स की वैल्यू 3, 12, 8, ठीक है, तो माइनस 3 ले लीजिए, एक्स की वैल्यू माइनस 3, तो माइनस 12 और प्लस के 3 कितना हो जाएगा 9, 9 माइनस के 9 अपॉन 6 यानी 3 अपॉन 2, वाई की वैल्यू माइनस के 3 अपॉन 2, ठीक है। इस तरीके से इसमें हर एक वैल्यू रखने पर हमारे पास क्या मिल रहा है, फ्रैक्शन फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। एक और वैल्यू रखते हैं, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 3 4 12 3 15 अपॉन 6, तो 3 5 15 और 3 2 6, तो इसके जो पॉइंट्स आएंगे, पॉइंट्स पी 0 1 अपॉन 2, क्यू -3 -3 अपॉन 2 एंड आर 3 5 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आगे पॉइंट्स आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स की हेल्प से क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। अभी देखते हैं ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करेंगे। देखिए हमारे पास पॉइंट्स है और अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड्स द ग्राफ पेपर इन एक्स एक्सिस एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई एक्सिस वाई ओ वाई विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो पहले आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक्स डैश ओ एक्स वाई ओ वाई डैश, अब अपने पॉइंट के अकॉर्डिंग पॉइंट्स देते हैं इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ग्राफ पेपर पर ना हो तो ग्राफ पेपर पे इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहला पॉइंट है 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, ये रहा हमारे पास पॉइंट ए। फिर है -2 -3, -2 और -3, ये रहा हमारे पास पॉइंट बी। उसके बाद है 4 1 4 1, तो इन तीनों को अब हम क्या करेंगे, जोड़, ठीक है। ये हमारे पास एक लाइन आ गई। अब दूसरा पॉइंट से 0 1/2, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की हाफ है, तो आपके पास ये पी पॉइंट, -3 -3 अपॉन 2, -3 और -3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 का मतलब ये आपके पास क्यू, और 3 और 5 अपॉन 2, 3 5 अपॉन 2 आपका ये, इस तरीके से आपको दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ मिलेगा वो ऐसे मिलेगा कि दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल होगी, यानी दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो यानी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी। दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेगी तब तक हमें क्या है, वे पॉइंट नहीं मिल पाएंगे एक्स एक्सिस पर, वाई से जहां पर वे लाइनें एक दूसरे को सोल्व, तो सोल्यूशन नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए क्या है, इक्वेशन
लाइंस आर पैरेलल, ग्राफ ऑफ ए लाइन, ग्राफ ऑफ अ लाइंस आर पैरेलल, देन दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, तब एक दूसरे को क्या है इंटरसेक्ट नहीं करेगी, हेंस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, तब सिस्टम क्या है आपका इनकंसिस्टेंट है, यानी इक्वेशन के पास में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लेने का यही पर्पज था कि आपको ये पता लग जाए कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है और उसके पास सॉल्यूशन नहीं होता। अब जो मैं आपके पास सामने जो है एक टॉपिक इसी वीडियो में कराऊंगा कि उसमें आपको कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी ग्राफिकली से कैसे पता लगती है और उसका सॉल्यूशन यानी ग्राफिकली मेथड से आपको कैसे पता लगेगा इक्वेशन के पास सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, उसको समझते हैं। ग्राफ ऑफ ए लाइन इन अ प्लेन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री पॉसिबिलिटीज, किसी भी लाइन्स का यदि हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी होती है, थ्री पॉसिबिलिटीज होती है। पहली पॉसिबिलिटी है जो हमने अपनी पहली वीडियो में जब लाइन का ग्राफ ड्रॉ किया था कि ग्राफ ऑफ ए लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, पहली पॉसिबिलिटी है कि दो लाइन है और उनका जो ग्राफ है वो एक पॉइंट पर क्या करें इंटरसेक्ट करें। ग्राफ ऑफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, केवल एक पॉइंट पर क्या करें इंटरसेक्ट करें। जब दो लाइन का ग्राफ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा इस तरीके से तो इक्वेशन के पास में होगा यूनिक सॉल्यूशन, यानी ओनली वन सॉल्यूशन। इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन, तब इक्वेशन के पास क्या होगा केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। सेकेंड, ग्राफ ऑफ द टू लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट, यदि आपके पास लाइन का ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, जैसे अभी जो एग्जांपल लिया था उसी की बात कर रहा हूं कि जब दो लाइन एक दूसरे की क्रॉस किया पैरेलल, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। ठीक है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो उसका कभी भी क्या होगा सॉल्यूशन नहीं होगा। इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, तब इक्वेशन के पास में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और तीसरा है ग्राफ ऑफ द टू लाइन्स कौन साइड कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब है ओवरलैपिंग, ओवरलैप यानी एक लाइन है इसी के ऊपर
दूसरी लाइन बिल्कुल इसी के ऊपर दूसरी, यानी आप यदि इधर से देखो एक लाइन और इसी के ऊपर जस्ट दूसरी लाइन, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। यानी एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर है तो दोनों लाइन कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पे भी कर रही है, यहां पे बहुत सारे इंफिनिटी मैनी पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। और जब यानी दैट इज लाइन इंटरसेक्ट इनफिनिट मैनी पॉइंट्स, इसका मतलब क्या है, लाइन जो है इन्फिनिटी मैनी पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और जब लाइन इन्फिनिटी मैनी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या होगा, उस लाइन के इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन ही होंगे, इक्वेशन हैज इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन, तब इक्वेशन के पास क्या होंगे, इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ग्राफिकली आप ये बताइए इक्वेशन के पास में यूनिक सॉल्यूशन है, इन्फिनिटी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, तो यदि उनका ग्राफ जो है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन है, यानी केवल एक ही सॉल्यूशन है। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन के लिए यदि वे एक दूसरे के ओवरलैप कर रही है, एक लाइन ड्रॉ की उसी के ऊपर क्या है दूसरी लाइन ड्रॉ हो रही है, तो क्या होंगे, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होंगे। और यदि दोनों लाइन पैरेलल है, यदि उनका ग्राफ क्या बन रहा है, पैरेलल बन रहा है, तो उसके पास क्या होंगे, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन होगा। अब बात करते हैं यदि वो आपसे पूछा जाए कि ग्राफिकली ये बताइए वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट क्या होगा कि जिसके पास एक सॉल्यूशन होगा या इंफिनिटी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि कंसिस्टेंट की कंडीशन ही क्या है कि लाइन आर सेट टू बी कंसिस्टेंट, ये सिस्टम सेट टू बी कंसिस्टेंट इफ हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, यदि सिस्टम के पास में कम से कम एक सॉल्यूशन होगा तो क्या कंसिस्टेंट होगा, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो कम से कम एक सॉल्यूशन के लिए कंसिस्टेंट, और इस केस में आपको क्या मिलेगा, इनकंसिस्टेंट, ये आपके पास इनकंसिस्टेंट और ये कंसिस्टेंट और ये भी आपके पास कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये दोनों केस आपके कंसिस्टेंट के हैं और ये आपका केस क्या है, इनकंसिस्टेंट का, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, थैंक यू।